सरकार के नए नियमों को लागू करवाने हैं तो सख्त हुआ तिनसुकिया जिला प्रशासन। 2 बजे के बाद कर्फ्यू के नियम तोड़ने वालों को मिली सजा। तिनसुकिया में कोरोना का आतंक, फिर भी लोगों में जागरूकता का अभाव। हम नहीं सुधरेंगे की कहावत चरितार्थ कर रहे हैं तिनसुकिया के एकांश लोग। हिमंत बिश्व शर्मा के नेतृत्व में गठित नई सरकार की पहली कैबिनेट द्वारा COVID-19 की रोकथाम के लिए तय नई मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP आज से लागू हो गई। राज्य सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर शहरी और अर्ध शहरी इलाकों में 15 दिन के लिए सभी कार्यालय, धार्मिक स्थल और साप्ताहिक बाजार बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा दोपहर 2 बजे से सुबह 5 बजे तक लोगों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस विषय में तिनसुकिया के जिला पुलिस अधीक्षक का कहना था, बहुत पहले से ही जागरूकता अभियान में हम लोग चला रहे हैं, माइकिंग हो या पब्लिक एड्रेस हम लोग करें, संवादिक है वो बंधु हमारे उसमें जुड़ित है, फिर हमारे सोशल मीडिया के थ्रू हम लोगों ने काफ़ी अपील किया है, अनुरोध किया है लोगों से। ये जो COVID-19 की भयावहता है, संक्रमण की, ये जो संक्रमण से सब लोग बचे रहे, इसके लिए जो असम सरकार ने जो नए नीति निर्देश जारी किए हैं, फिर जो जिला प्रशासन ने ऑड इवन सिस्टम जारी किया है, ये सभी नियम नीति कानून ये आपके लिए है, आपके खुद के सुरक्षा के लिए है, इसका सभी लोग पालन करें। अगर कोई इसमें कोताही नजर आए या कोई उल्लंघा करने पे तुले तो पुलिस कठोरतम कानूनी व्यवस्था करने में लागू करने में बाध्य हो जाएगी। जैसे हमारे माननीय DGP महोदय ने इसी प्रकार के निर्देश कल जारी किए हैं आपके प्रेस मीट के जरिए। हम लोग इसी प्रकार से तिनसुकियावासी सभी लोगों को सूचित करना चाहेंगे, ये जो निर्देश जारी किए हैं, नियम जारी किए हैं, उसका सभी पालन करें, कोई उल्लंघन ना करें, वरना पुलिस की कठोरतम कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।